अभी 20 अप्रैल को संयुक्त मोर्चा का आह्वान है, चंडीगढ़ कूच करना है, अपन फैसला है संयुक्त मोर्चे का, उसकी तैयारी को उसी दिन धन्ना भरत जयंती मनाने का आह्वान भी संयुक्त मोर्चा की तरफ से हुआ है, उसकी भी तैयारी आप साथ के साथ करेंगे। 24 अप्रैल को हमारा जो ये आंदोलन है उसको 26 नवंबर से अगर हम करें तो 150 दिन होते हैं, 150 दिन मनाने का भी आह्वान वो संयुक्त आह्वान है जिसमें किसान मजदूर और कर्मचारी, इस बार कर्मचारियों को भी शामिल किया है संयुक्त मोर्चा ने, वो भी आह्वान है, उसकी भी तैयारी आप साथ ही करेंगे। और एक प्रस्ताव मेरा मंच की तरफ से, मजदूरों की तरफ से, अभी अंबेडकर जयंती को सरकार ने मनाने का फैसला किया है। जब हमारे संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया कि हम अंबेडकर जयंती मनाएंगे तो सरकार ने भी अपनी चाल चली कि किस तरह से मजदूरों को, किसानों को बांटा जाए। जिस तरह से हम लगातार सरकार के मंत्रियों का, एमएलए का विरोध कर रहे थे, सरकार ने इसको दलित वर्सेस गैर दलित करने का भी एक चाल चलने की कोशिश की। उन्होंने आह्वान दिया कि हम भी 14 तारीख को जिला हेडक्वार्टर में मनाएंगे, और बाकायदा मंत्रियों की ड्यूटी अलाट की उन्होंने, आखिर उस कार्यक्रम को रद्द करते हुए सरकार ने टुकड़ों में मनाने का फैसला कर लिया। अभी अलग अलग डेटों में आयोजन किए जा रहे हैं जहां पे सरकार के मंत्री जा रहे हैं। हमारे संयुक्त मोर्चे का आह्वान ये है कि हम उस तरह से विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे भाई उसमें शामिल हो रहे हैं, उन आयोजनों में विशेष करके हमारे दलित जो साथी हैं, गरीब जो लोग हैं, मजदूर जो लोग हैं, वो किसी न किसी बकाई में आके उन आयोजनों में शामिल हो रहे हैं, बकाया जा रहा है। जबकि साथियों काफी चर्चा आज के भाषणों में हो चुकी है, सरकार वास्तव में अंबेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है, गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, दलित विरोधी है। इसलिए एक आयोजन यहाँ 25 तारीख का सरकार ने दिया जींद जिला का, जिसमें धरकड़ और काफी लोग उसमें मुख्यमंत्री के तौर पर शामिल होने जा रहे हैं, दर्जनों बीजेपी के नेता और विशेषकर जातियों के नेताओं को भी शामिल करने की कोशिश की है। बाकायदा फलाना वाल्मीकि, फलाना धाणा के, फलाना कुमार, इस तरह से उन्होंने, ताकि जातियों के नाम पे लोगों पर गला आ जाए। तो मेरा ये प्रस्ताव है कि हमने इस कार्यक्रम का बहिष्कार करना चाहिए, हमने सरकार की चालों में नहीं फंसना चाहिए, और 25 तारीख को कोई भी साथी सरकार के आयोजन में शामिल नहीं होगा, ये प्रस्ताव है मेरा। अगर आपको मंजूर है तो आप गांव में इसकी तैयारी करें, उनके नेता आएंगे बकाने के लिए, आपको बस्तियों में जाएंगे, हमारे घरों में जाएंगे, हम किसी तरह की घटना ना घटे, सिर्फ सीधा उसके आयोजन में शामिल ना हो, उसको आप हमारी एकता का उसको अपने आप पता चल जाएगा तो उसकी खाली कुर्सी रहेगी। इसलिए हम कोशिश करेंगे 25 तारीख को कोई भी साथी हमारा इन आयोजनों में शामिल ना हो। हाँ, और एक सूचना है कैथल से दूसरी को बजा दिया आज कार्यक्रम में रखा वहां से, तो इसी तरह से हमने सब जगह से इनको बजाएंगे, बस हम अपनी कायम अपनी एकता इसी तरह से कायम रखे, इस उम्मीद के साथ कि आप बीजेपी के किसी भी तरह के आयोजन में आने वाले समय में जब तक हमारी बातचीत नहीं मानी जाती किसी भी तरह का आयोजन हो शामिल नहीं होंगे। बड़े बड़े दुख की बात है, कुछ साथी ईद भी, विशेष करके जींद के आसपास के कुछ गांव, कुछ मिड्डा के भगत सहित भी, किते परस के नाम पर, किते अंबेडकर भवन के नाम से, कहीं किसी के नाम से अब भी बुला रहे हैं। भाई हमने शर्म आनी चाहिए, बड़ी शर्म आती है मेरे को तो इस तरह से, 300 से ऊपर हमारे साथी शहीद हो चुके हैं इस संविधान को बचाने के लिए, और हम उनको मालाएं पहनाते हैं, स्वागत करते हैं उनका। तो मेरी एक अपील कि हम बीजेपी के, जेजेपी के जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं
उन कार्यक्रमों का बहिष्कार करें, उन कार्यक्रम में शामिल ना हो, इसके साथ मैं बात करता समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रस्ताव रखे गए हैं वो सर्वसम्मति से पास हुए हैं और हम ऐसी उम्मीद करेंगे कि जो बात यहाँ पे तय हुई है हम उसी के ऊपर खरा उतरेंगे, क्योंकि जो जो चीजें तय होगी सबके बीच में फिर उससे बाहर भीतर की तरह नहीं जाना चाहिए। अभी जो बीच में सूचना आई थी, एक भाई ने बताया है कि कैथल में वो जगदीशपुरा है दुष्यंत चौटाला, तो उसका मतलब लांडा ला दिया, बटन की कोई जरूरत नहीं। लोग मतलब इतने जागरूक हो रहे हैं, कई भी इनकी बकाई में नहीं आएंगे, यह बात पक्की बात है। दूसरा मुद्दा है एक कि दुष्यंत के लिए घनी माड़ी बन रही है, बीजेपी ने कम गाड़ दे हैं, आम भावना बन रही है कि क्योंकि दुष्यंत ने घनी गाड़ मिले हैं और बीजेपी ने कम है, पर काम भी दुष्यंत ने उतना ही माड़ा कर रखा है ना। अरे हमारे सारे उच्चाने के वोट इकट्ठे करके मतलब इतने वोट किसी से भी नहीं होंगे कदे, और लेगा बढ़ गया उड़ा पितर उनका, तो ये काम भी तो उतना ही माड़ा कर रखा है, तो गाड़ भी मिलेंगी उसी हिसाब की। तो दोबारा मेरे हिसाब से तो बड़ा इसका खाता होना नहीं चाहिए कि उचाणा में तो बढ़ नहीं सकता, और तो कितने जाके किमें करता रहो लेकिन उचाणा में नहीं बढ़ सकता, यह बात पक्की है। और मेरा निवेदन है और हेलो बोलते रहो साथ में। राधे जी है, माता जी दरियावाड़ा से एक महिला किसान नेता है और कपूर ईदगाह जी है, वो CI2 के नेता है, मजदूरों में काम करते हैं। महेश के इंचार्ज है, ये जो महेश चला रखा है सुपर मिल के आगे, इसके इंचार्ज है। हाँ जी ध्यान लगाओ, जनता का भाई साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, शुभ किसान मोर्चा जिंदाबाद। आदरणीय कपूर अहिरका जी मैच के इंचार्ज है, इनका बहुत योगदान है मैच चलाने में, जिंदा देख रखे हैं, और जितना भी मैच में खर्चा होता है, जितना आय होती है वो सभी बढ़ चढ़ के बैठ देते हैं। राधे जी जरियावाड़ा से किसान महिला और कट्टर गांव के सरपंच है, ये उस्मान करना चाहते हैं कट्टर गांव को, वो भी आए अरे भाई साइड में रेवर पर। हां जी आप हो गए जी, आप राधे जी देखियो थोड़ा इस साइड, किसान महिला नेता है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सरपंच जी है, कट्टर गांव के सरपंच जी, उनका भी हम स्वागत करते हैं, कि गांव के प्रतिनिधि हैं तो इनको ये सम्मान करते हैं जी। सरकार जी जितने भी आप थोड़ी मदद करें, दलित अधिकार मंच का बहुत बहुत धन्यवाद, इस वर्ष में साथियों को सम्मानित किया है और जो लोग हाँ यहाँ बैठते हैं और लोगों से कनेक्शन करते हैं।